खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। वर्तमान में आज चुनाव का प्रचार थम गया है। ऐसे में आपने जो चुनाव प्रचार किया है, हर गांव में गए हैं, हर क्षेत्र में गए हैं, तो आपको आपके विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का अभाव मिला और किस तरह उसकी पूर्ति करेंगे? देखिए, कोरोना का टाइम जो था, इस कोरोना पीरियड में विकास के कामों की कुछ गति धीमी हुई और गाँव में विकास की दृष्टि से सड़क, नाली, खड़ंजा और हैंडपम्प, इन चीज़ों पर ग्रामवासियों ने मेरे साथ ज़्यादा फोकस किया और कहा कि विधायक जी, तो मैंने कहा ये विधायक के काम जिस ढंग से होते हैं वो कराए जाएंगे। बाकी ग्राम पंचायत के प्रधानों को और बीडीसी मेंबर्स को, खासतौर से ब्लॉक के प्रमुख को, मैंने निर्देशित किया कि गांव में जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको तुरंत निराकरण हो, चाहे वो किसी स्तर से करना पड़े, और वो व्यवस्था हुई है। कई जगह डीपी की खराबी आई, मैंने लगातार फ़ोन करके विद्युत विभाग को उनकी डीपी बदलवाने का काम किया। बिजली की समस्या का समाधान त्वरित गति से कराने का काम मैंने किया है। अभी जो आज रोड शो हुआ, आपने देखा होगा, आप लोग घूमते रहे हैं, पूरा जनसमूह ऐसे उमड़ा जैसे अगर आज ही वोट डलना होता तो मैं ये जानता हूँ कि दूसरा विपक्ष का तो कोई नाम निशान नहीं रहता। आपने रोड शो किया है और एक विषय विगत कई समय से चल रहा है विपक्षियों द्वारा, आम जनता द्वारा, कि आपने जिस नेहरू विद्यालय से आपने रोड शो किया स्टेशन तक, तो बीच में सड़क में गड्ढे थे, इस संबंध में विरोध चल रहा था, उसका क्या संदेश देंगे? देखिए, वो जो सड़क है, खास तौर से मैंने उस रोड को इसलिए चुना ताकि जनता को ये महसूस हो कि विधायक उस गड्ढे वाली सड़क पर चल रहा है। ये 10 मार्च के बाद आपको गड्ढे नहीं मिलना चाहिए, मैं ऐसा प्रयास करूँगा और उस पर शीघ्र काम लगाऊँगा। पहले इसका टेंडर हो गया था लेकिन बिलो रेट डालने की वजह से ठेकेदार ने अपनी सिक्योरिटी को लैप्स करा लिया और भाग गया उसकी वजह से, और फिर कोरोना शुरू हो गया। कोरोना के बाद अब इलेक्शन आ गया, ऐसी स्थिति में उसका रीटेंडर करा के मैं शीघ्र ही उस रोड को बनवाने का काम करूंगा। जहां भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत का मिशन का संदेश दे रही है और सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के लिए अनेक आयोजन किए, आपका रोड शो हुआ, आपके कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर पर्चे फेंके, उससे गंदगी हुई, इस संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है रवि जी, ये गंदगी नहीं कहना चाहिए। हमारे प्रचार के अपने अपने माध्यम होते हैं, उन पर्चों को आप देखेंगे, अभी जब रोड साफ हो गई है और कहीं भी आपको गंदगी नज़र नहीं आएगी। गंदगी किसे कहते हैं ये आप लोग समझते हैं, हमारा प्रचार का जो पत्र है वो गंदगी का काम नहीं कर रहा है। सड़कों पर था, देखिए सड़कों पर था, लेकिन किसी तरह पब्लिक के नज़र में वो पर्चा पहुँची, इसकी व्यवस्था थी, लोगों ने उसका कुछ मिसयूज़ किया होगा, लेकिन सड़क पर कहीं गंदगी नहीं है। उत्तर प्रदेश के 226 ललितपुर विधानसभा में किस मुद्दे को लेकर आपने मतदाताओं के बीच में पहुँचे? देखिए, मुद्दा ललितपुर के पिछड़ेपन का है। पूर्व की जो सरकारें थीं उन्होंने ललितपुर के विकास के लिए चिंता ही नहीं की। हमारी जो 4-5 साल की सरकार बीती है उसमें हमने मूलभूत सुविधाओं वाले बहुत काम किए। अब हमारा उद्देश्य है बड़ा उद्योग कारखाना यहाँ लगवाना ताकि हमारे जनपद के लोगों को रोजगार मिल सके। आपने देखा होगा विगत कांग्रेस की सरकारों में जो हमारे यहाँ के प्रतिनिधि हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ जो सुविधाएं मूलभूत मिलना चाहिए थी उनका दोहन करते हुए ललितपुर ज़िले से बाहर उन योजनाओं को ले गए, चाहे वो BHEL का कारखाना हो जो झांसी में खुला, चाहे बीना में जो हमारी तेल रिफाइनरी खुली वो, और ख़ास तौर से सिथौली में रेलवे स्प्रिंग का कारखाना जो ग्वालियर में खुला है, ये तीनों कारखाने हमारे यहाँ खुलना थे, लेकिन एक व्यवस्था के तहत कि ललितपुर में अगर कारखाने खुल गए तो यहाँ के लोग पैसे वाले हो जाएंगे और हमारे यहाँ काम कौन करेगा, इस व्यवस्था की सोच रखने वाले लोगों ने उन कारखानों को ललितपुर में नहीं खुलने दिया। समाजवादी पार्टी की बात करें तो उन्होंने जो एजेंडे में 300 यूनिट बिजली मुक्त की है और पुरानी पेंशन का बहाल किया है, इससे भारतीय जनता पार्टी के वोटों पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, उनकी इस घोषणा से पार्टी का कोई वोट घटने वाला नहीं है, ना ही कोई उनकी योजना को सुनने वाला है, क्योंकि वो बिजली आज 300 यूनिट देने की जो बात कर रहे हैं ना, इनने पहले अपनी सरकार के टाइम में केवल 4 जिलों में वो बिजली रहती थी, कभी जिलों के अन्य मजरों तक बिजली पहुंचाने के दिमाग में उनके नहीं आई। और हमारी भाजपा के संकल्प पत्र को आपने देखा होगा, वो तो 300 यूनिट की बात कर रहे हैं। हमारी भाजपा की जो यूनिट है प्रदेश की, उन्होंने सीधे घोषणा की है कि किसानों को पूरे 5 साल बिजली फ्री मिलेगी,
कोई करेक्शन नहीं कराने की जरूरत है और मुफ्त में उनको बिजली दी जाएगी। आगामी 20 फरवरी को मतदान है, क्या कहेंगे आप? हम आम जनता से, जो आज अपार जनसमूह ने समर्थन दिया है, उसके आधार पर जनता से कहना चाहेंगे इस जनसमूह को मत में परिवर्तन करने के लिए पोलिंग बूथ पर अनिवार्य रूप से जाएं और मल को जिताने का काम करें, जिससे 300 पार सरकार की जुंडा राज जड़ से समाप्त करने का मौका सरकार को मिले, क्योंकि हम लोगों ने शांति व्यवस्था के लिए जो काम किया है, निश्चित रूप से जनता हमारे काम से खुश है और निश्चित रूप से यहाँ से 17 का जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को हम अपने ही रिकॉर्ड को फिर से तोड़कर लगभग 1 लाख वोटों से जीतने वाले हैं, ऐसा हमारे आम जनता का कहना है। धन्यवाद। Thank you.